आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और मेरे साथ एक बार फिर से है ज्योति श्रीवास्तव। लेकिन अब जो नतीजे सामने आ चुके हैं चुनाव के, जो सामने परिस्थिति दिख रही है वो काफी अलग है। महाराष्ट्र में जहां महायुति की जीत हो चुकी है, तो वहीं झारखंड में एनडीए को करारी हार मिली है। वहीं उपचुनाव में भी बीजेपी का डंका बोल गया है। लेकिन इसी के साथ तीनों राज्यों की कुछ खास चीजों पर बात करने की अब जरूरत आ गई है। जैसे कि झारखंड से शुरुआत करेंगे ज्योति, और झारखंड में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड में जो बीजेपी है यानी कि जो पूरी एनडीए है, उसकी गलती क्या हुई है। क्या योगी आदित्यनाथ से वाकई में हेमंत जो है वो पिछड़ गए हैं? अमित शाह की रणनीति भी जो है वो बीजेपी को झारखंड में जीत नहीं दिला पाई। आखिर ये सब कैसे हुआ, आइए एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी ने ध्रुवीकरण के आधार पर पूरी लड़ाई लड़ी, मगर जहां झारखंड चुनाव की कमान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने संभाल रखी थी, वहीं महाराष्ट्र की जो कमान थी वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में थी। उनके भरोसे पूरा चुनाव महाराष्ट्र का जो था वो लड़ा जा रहा था। चुनावी नतीजों में जहां योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में हिट हो गया। महायुति ने चुनावी परिणामों के रुझानों में 288 में से 225 से ज्यादा सीटें हासिल पूरी तरीके से लगभग कर ली हैं। जी हाँ बिल्कुल प्रिया, और वही हेमंत ने झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप तक लगाया और दावा किया कि ये चुनाव अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने और हिंदुओं की रक्षा के लिए लड़ा जाएगा। तो वहीं झारखंड में गृह मंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह ने भी पूरा जोर लगा रखा था। इसके बाद भी भाजपा गठबंधन 24 सीटों पर सिमटती नजर आई। आइए समझते हैं कैसे, ये समझाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए ज्योति, अगर इस चीज पर गौर करेंगी तो जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड विधानसभा चुनाव में कई रैलियों को जो है संबोधित किया। झारखंड के चुनावी रैलियों में उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से शुक्रवार के दिन मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए स्कूलों में छुट्टी दी जाती है, वैसे ही मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हिंदुओं को छुट्टी दी जानी चाहिए। यानी एक तरीके से उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करने की पूरी कोशिश झारखंड में की थी। और हेमंत ने राहुल पर वार भी किया था, उनकी जाति को लेकर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन मुझे लगता है ये शायद काम नहीं किया ज्योति। बिल्कुल प्रिया, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी इस बात को प्रचारित करती रही कि कांग्रेस देश के अलग अलग जातियों के नाम पर लड़वाना चाहती है। बीजेपी के हर बड़े नेता ने अपनी चुनावी रैली में इस बात का जिक्र किया कि अगर एक नहीं रहोगे तो इसका फायदा दूसरा उठा लेगा। भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी वही नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। उनका यह दाव महाराष्ट्र में काम कर गया और बीजेपी गठबंधन यानी कि महायुति को बड़ी जीत हासिल हुई है, जो आज आंकड़ों के तौर पर और आज की जो तस्वीरें आ रही हैं जश्न की, उससे साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में क्यों जीत मिली अब बीजेपी को यानी कि जो महायुति है उससे, और झारखंड में क्यों पीछे रह गई एनडीए, ये पूरा मसला जो इस बात से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जरूर पीछे रह गए हैं बीजेपी के दो बड़े और नेता, चाहे वो हेमंत हो या फिर अमित शाह हो। अगर शायद मुझे लगता है, आपको क्या लगता है ज्योति, अगर झारखंड में भी सीएम योगी को उतारा गया होता तो आज नजारा कुछ और हो सकता था? बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से जो लोकप्रियता हम सीएम योगी की उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में देख रहे हैं, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि जो रिस्पांस हरियाणा में मिला वही रिस्पांस महाराष्ट्र में भी मिला। तो सीएम योगी की जो लोकप्रियता है उससे गुरेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर एक नेता हर एक मंत्री का अपना एक वर्किंग स्टाइल होता है और सीएम योगी का भी अपना एक अलग वर्किंग स्टाइल है जिसके नाम से वो देश दुनिया में जाने जाते हैं। जैसे देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक स्टाइल है कि वो अपनी कुछ जो उनकी जो वो है एक कहें पूंजी कहें कि उनको जो वो बोलते हैं जिस तरीके से वो बोलते हैं वो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये हर नेता में अपनी कोई ना कोई खूबी होती है। बिल्कुल, वही खूबी सीएम योगी में भी है। तो ऐसे में ये साफ साफ समझा जा सकता है कि कौन नेता कहाँ काम आएगा ये बीजेपी बखूबी जानती है। लेकिन झारखंड में क्यों चूक हो गई, कैसे चूक हो गई, ये समझने वाला विषय है।
वहीं अगर अब यूपी उपचुनाव की तरफ थोड़ा सा गौर कर ले तो यूपी उपचुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कमाल का काम कर दिया। अब आप ये सोचिए ज्योति, जो 64% मुस्लिम आबादी वाली कुंद्रा की सीट भी थी वो भी बीजेपी ने बिल्कुल हासिल कर ली और वो भी हिंदू नेता की जीत के दम पर। बिल्कुल तुर्क वर्सेस राजपूत वाली रणनीति आखिर क्या कहती है, चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा पूरी तरीके से आ चुका है। सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला नतीजा है वो कुंद्रा की विधानसभा का ही रहा है, कैसे चलिए वो भी बता देते हैं। दरअसल मुरादाबाद जिले की मुसलमान बाहुल्य इस सीट पर भाजपा का परचम लहर चुका है। खास बात यह है कि 64% आबादी यहां मुस्लिमों की है, यानी कि वो सीट जो मुस्लिमों के लिए जानी जाती है वहां बीजेपी ने जो है वो जीत दर्ज कर ली है। लेकिन इसके बावजूद रामवीर सिंह ठाकुर ने बंपर जीत दर्ज की है। सोचिए ज्योति, कितना ज्यादा दिलचस्प है देखना कि एक मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट पर जो है कट्टर हिंदुवादी तौर पर जो बीजेपी जो अपना पहचान बना चुकी है उसने जीत दर्ज की है। और यहाँ ईवीएम में कुल 13 प्रत्याशियों की लिस्ट थी, एक थे भाजपा के रामवीर और एक नोटा, बाकी 11 कैंडिडेट सारे के सारे मुसलमान थे। जीत भी सामान्य रही बल्कि रामवीर की जीत का अंतर 1,00,000 तक पहुंच गया। नतीजे के बाद सबकी जुबान पर एक ही चर्चा तेज है कि आखिर मुस्लिम बाहुल्य सीट पर हिंदू प्रत्याशी की जीत कैसे हो गई। मतलब ये सोचने वाली बात है कि आखिर ज्योति अगर देखा जाए तो किस तरीके से जो है ये पूरा समीकरण फिट बैठा है, किस तरीके से जो है इस सीट पर जो है हिंदू प्रत्याशी की जीत हो गई, क्या लगता है कुछ बताइए ज्योति। ये प्रिया, ये तो समझने वाला विषय वाकई है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो है बीजेपी का हिंदू प्रत्याशी जीता है, इसके समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट ऐसी है जिसका गणित ही अलग है। करीब 64% की अधिक मुस्लिम आबादी वाली इस विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक है। बिल्कुल, यहाँ 12 प्रत्याशियों में से केवल एक ही हिंदू प्रत्याशी मैदान में उतरे, रामवीर सिंह ठाकुर, जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया और आखिरकार उनका दाव सफल हो गया। यहाँ भाजपा का दाव मुस्लिमों की तुर्क और राजपूत बिरादरी को साधने का रहा, तो ऐसे में जो ये साधने की कोशिश बीजेपी की रही वो सफल रही। वही दूसरी ओर अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कोई हिंदू प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत गया है तो इससे ये साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो धर्म की राजनीति करने के लिए टारगेट किया जाता है, जो हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए टारगेट किया जाता है, उससे ये साफ समझ में आता है कि जनता भी, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी काम किए हैं वो सिर्फ हिंदुत्व के तौर पर उसको नहीं आका है, उसके कामों को लेकर भी आका गया है। और इसीलिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक हिंदू प्रत्याशी अच्छी पूर्ण बहुमत से जीत चुका है। बिल्कुल, देखा जाए तो अगर कुंदरा की सीट की बात करी जाए, इसके गणित को समझा जाए तो सीधे तौर पर एक ही बात कही जा सकती है कि भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा जोर जो था वो मुस्लिम और राजपूत आबादी को भगवा झंडे के तले लाने का रहा। और इसमें कई हद तक जो बीजेपी है वो कई हद तक, क्या मैं कहूंगी, पूरे हद तक जो है सफल हो गई है। यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष है कुंवर बासित अली भी रामवीर ठाकुर के समर्थन में मुसलमानों की बैठक कराते नजर आए। भाजपा नेता के कहने पर यहाँ आए मुसलमानों ने हाथ उठाकर खुदा के नाम पर शपथ ली, यहाँ रामवीर को वोट किए जाने का वादा किया गया। सोचिए कितना दिलचस्प है कि अगर जाए ज्योति तो बीजेपी एक तरीके से अपनी पहचान कट्टर हिंदुवादी पार्टी के तौर पर स्थापित कर चुकी है और ऐसी पार्टी का किसी मुस्लिम बाहुल्य वाली जगह पर जीतना वाकई काफी ज्यादा जो है वो रोचक रहा है। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया। और रामवीर ठाकुर भी मुस्लिमों की सभा में जालीदार टोपी और अरबी रुमाल पहनकर वोट मांगते हुए नजर आए। बिल्कुल, तुर्क मुसलमानों के वर्चस्व वाली कुंदर की सीट पर भाजपा ने मुस्लिम राजपूतों को साधने का दाव खेला। बिल्कुल, जिसने जीत का सहरा बांध दिया। दरअसल यहां तुर्क मुसलमानों का दबदबा रहा या फिर सहसपुर बिलारी राजघराने का, इस बार रामवीर ने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए और प्रचंड बहुमत से जीत गए हैं। और अब रामवीर पर भी एक काफी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि अगर वो क्षेत्र से इतने ज्यादा अंकों से जीते हैं तो जो वादे और जो दावे किए थे उनको पूर्ण करने का पूरा जो सरोकार है उनके कंधों पर आ गया है। बिल्कुल, क्योंकि नेता जो है वो जीतने के बाद अपने वादों को ना भूले, यही उनके छवि को और निखारता है और जो आम जनता है, जो आम वोटर है, हमारा देश का वोटर, उसके मन में एक विश्वास पैदा करता है। बिल्कुल,
अब देखा जाए तो अगर रामवीर के ऊपर ये चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है तो वहां जहां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ज्योति कि अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी ने मुस्लिमों को साधने के लिए कोई रणनीति बनाई है तो वो महज चुनावी रणनीति बनकर ना रह जाए, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य यही बनता है कि वहां की जो जनता है जिसने भरोसा जताया उसके सारे जो विश्वास है सारी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरे। ऐसा ना हो कि केवल मुस्लिमों को साधने के लिए कोई रणनीति बनाई गई और उसके बाद उनको किनारे कर दिया गया, और अगर ऐसा कर भी दिया गया तो अगले चुनावों में जरूर जो भी पार्टी जीत रही है उसके लिए मुश्किल खड़ी जरूर हो सकती है। क्या कहती है ज्योति, ये जो रणनीति बनाई जाती है किसी जाति विशेष को साधने के लिए, बाद में रणनीतियों का क्या होता, कितना आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं वो आगे काम करती होंगी मुस्लिमों के बीच आज मुस्लिम बनकर बैठने के लिए, और अब आगे चल के अब चुनाव जीत गए हैं रामवीर कितना बैठेंगे मुस्लिमों के बीच, कितनी इस तरीके की जालीदार टोपी पहनकर लोगों के बीच में नजर आएंगे, क्या लगता है? ये तो प्रिया समय ही बताएगा कि वो कितना मुस्लिमों के बीच जालीदार टोपी पहनेंगे और कितना मुस्लिमों के बीच जाकर जो है उनके ही रूप को जो है अपने ऊपर भी धारण करेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस आधार पर वो चुनाव जीते हैं, जिन वादों को करके वो चुनाव जीते हैं उन पर ज़रूर वो काम करें, वो भले ही मुस्लिम रूप धारण ना करें, मुस्लिमों के बीच जाकर जाली टोपी पहनकर ना बैठें, लेकिन हर एक आम व्यक्ति के लिए वो काम करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनको विकास की योजनाएं दें, उनके लिए जो भी योजनाएं जो आम जनता जो डिजर्व करती है, जो आम जनता का एक मौलिक अधिकार है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचाना एक नेता का फर्ज बनता है। भले ही वो उसके धर्म को अपने ऊपर धारण ना करें, उसके धर्म को जो है बहुत प्रचारित बहुत प्रसारित ना करें, लेकिन हाँ, हम अगर भारत देश में रहते हैं तो इस देश का हर एक ईसाई सिख मुस्लिम हिंदू सबके प्रति नेता का वही बराबर कर्तव्य बनता है जो किसी बाकी समुदायों के लिए बनता है, वैसे ही हर एक समुदाय के लिए एक बराबर कर्तव्य है। ऐसा नहीं है किसी एक की तरफ ज्यादा झुकाव हो या किसी एक की तरफ कम झुकाव हो। बिल्कुल। अब जहां हमने यूपी उपचुनाव की बात कर ली, झारखंड की बात कर ली, तो ऐसे में महाराष्ट्र की बात करनी तो बिल्कुल बनती है। लेकिन मैं इसी बीच आपको रोकूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास बधाई दी है, और साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। जी हां, देश के मुखिया ने बयान दे दिया है और साथ ही साथ झारखंड में अपनी जीत नहीं हुई है फिर भी हेमंत सोरेन को बधाई दी है और एनडीए कार्यकर्ताओं की जो है सराहना की है, उनको भी सराहा है, और शाम 6:30 बजे देश के मुखिया संबोधित करने वाले हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। क्या कुछ प्रधानमंत्री कहने वाले हैं, क्या कुछ उनकी बड़ी बातें इस दौरान सामने आने वाली हैं, ये काफी दिलचस्प है क्योंकि जब एक प्रचंड जीत के बाद, दो राज्यों में प्रचंड जीत के बाद, खास तौर पर प्रिया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा नहीं था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी सब राज्यों की बात की थी जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने के बारे में कुछ नहीं बोला था, ना 33 सीटें जो जीती उसके बारे में कुछ बोला, ना जो सीटें हारी उसके बारे में कुछ बोला। लेकिन आज ये गौर करने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की जो 7 सीटों पर जीत हुई है, 9 में से 7 सीट, उस पर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं और इसका श्रेय किसको देते हैं, क्योंकि सीएम योगी ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को जो है श्रेय दे दिया है, लेकिन हम देश के मुखिया उत्तर प्रदेश की जीत का श्रेय किसको देते हैं, किसको उसका जनाधार बनाते हैं, ये काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। और अगर बात कर ली जाए पीएम मोदी की, तो देखिए झारखंड में वो नहीं भी जीते उनकी पार्टी, लेकिन उन्होंने जो है उत्साहवर्धन हेमंत सोरेन का जरूर किया है। आप अगर गौर करेंगे तो कभी भी हेमंत सोरेन जब भी पीएम मोदी से मिलते हुए नजर आते वो बड़े आत्मसार तरीके से मिलते हैं, और देखा जाए तो जो एक देश का प्रधान होता है वो पूरे देश का प्रधान होता है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस बीजेपी से आता है, वो किसी और पार्टी से आता है,
हर राज्य की जिम्मेदारी एक प्रधान सेवक पर होती है। झारखंड से भले बीजेपी की सरकार जीती, भले बीजेपी की सरकार हारी, लेकिन प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है झारखंड के प्रति वो वैसा ही रहेगा। उनको झारखंड को उसी रूप में देखना होगा जिस रूप में उनको कर्तव्य मिला हुआ है। यानी अगर वो प्रधानमंत्री है फिर भी उनकी जिम्मेदारी झारखंड को लेकर उतनी ही है जितनी महाराष्ट्र को लेकर होगी। दोनों में फर्क इतना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होगी, मायूति की सरकार होगी और झारखंड में नहीं होगी। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है प्रधान का सबके प्रति जो है एक न्यूट्रल व्यवहार रखना। इसी के तहत मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने तुरंत हेमंत सोरेन को जो है बधाई दी है और कहा है कि जो है साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से झारखंड में नई चीजों को लेकर आएंगे, झारखंड में जो है नई चीजों का विस्तार करेंगे, मिलकर एक नई सरकार बनाएंगे और मिलकर एक नई चीजों पर जो है गौर फरमाएंगे। इसी के साथ अगर महाराष्ट्र की बात करनी होती तो इस वक्त महाराष्ट्र में केवल और केवल सबसे ज्यादा कोई नजर आ रहा है तो वो है फडणवीस। यानी कि देवेंद्र फडणवीस पूरी जगह छाए हुए हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने जीत और बढ़त हासिल करी है महाराष्ट्र में महायुति में, महायुति में सबसे ज्यादा जो सीटों पर जो है कब्जा करने वाली पार्टी बीजेपी बनी है और देवेंद्र फडणवीस की इस वक्त जो रौनक है चेहरे की वो अलग नजर आ रही। टोटल तौर पर यह कहा जा सकता है कि शरद पवार तक जो नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिखाया है। अब जो प्रचंड जीत दिलाई है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लौट कर वही समंदर वापस आ गया है। दरअसल महाराष्ट्र के 64 सालों में सियासी इतिहास में वो महज ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। बिल्कुल प्रिया, और जिस तरीके से झारखंड में भी हेमंत सोरेन के लिए ये चुनाव काफी कड़ी परीक्षा वाला रहा है। हेमंत सोरेन का बयान भी सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो है काफी कठिन, इतना कठिन जो है चुनाव मैंने कभी नहीं देखा, और अपनी पत्नी को वन मैन आर्मी बता रहे हैं क्योंकि वाकई कल्पना सोरेन ने जो काम किया है वो वन मैन आर्मी वाला काम किया है। तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को सराहा वो वाकई काफी काबिले तारीफ रहा। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास सामने आ रही है, आज रात या कल तय हो जाएगा महाराष्ट्र का सीएम। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से है जहां बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। और तावड़े ने यह भी कहा कि सरकार का मुखिया कौन होगा, ये एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ मिलकर केंद्रीय नेतृत्व आज रात या कल दोपहर तक तय कर लिया जाएगा। यानी कि बस आज रात का समय है और कल दोपहर का समय है, हम सबके सामने, पूरे देश के सामने महाराष्ट्र की कुर्सी पर कौन बैठेगा, महाराष्ट्र की सत्ता कौन संभालेगा, यह हम सबको पता चल जाएगा। विनोद तावड़े ने इस वक्त यह बड़ा बयान दिया है, आज रात तक या कल दोपहर तक, हो सकता है आज रात चुनाव खत्म हुए और आज रात में ही बड़ी खबर आ जाए कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होने वाला है, और कल दोपहर तक, अगर आज रात नहीं तो कल दोपहर तक इंतजार करना होगा देश की जनता को कि महाराष्ट्र की सत्ता कौन संभाल रहा है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में जिस तरीके से मैं ज्योति कह रही थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है सबसे ज्यादा सामने आते हुए नजर आ रहे, जलेबी बनाते हुए जो है वो अपने कार्यालय में नजर आए, लोगों के साथ जो है काफी ज्यादा घुले मिले नजर आए। सबसे ज्यादा जो सबसे साथ और सबसे फ्रंट पर चेहरा दिख रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र में इस वक्त की स्थिति को देखकर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है शरद पवार जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चालक कहा जाता है, वो जो नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस कर चुके हैं। ज्योति, क्या कहेंगी देवेंद्र फडणवीस के बारे में आप? प्रिया, महाराष्ट्र में महायुति की जीत कितनी अभूतपूर्व है, कितनी प्रचंड है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि विपक्ष में किसी पार्टी को इतनी सीट तक नहीं मिलती दिख रही है कि वह आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का पद भी हासिल कर सके, ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी और महायुति की इस जीत का शिल्पी बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जो कर दिखाया है वो वाकई, चाहे विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन ये वाकई सराहनीय काम है। और इस जीत का श्रेय कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस लेंगे भी, क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था पार्टी को या पार्टी के तौर पर वो वादा उन्होंने निभाया है, और वाकई वो एक समंदर की लहर बनकर आए हैं और उसमें पूरी की पूरी महाविकास अघाड़ी को जो है वो लहरों में डुबा के लेके चले गए हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो महायुति के आसपास भी नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब 50 का आंकड़ा किसी तरह लुढ़कते पड़कते महाविकास अघाड़ी ने पार किया है, सेंचुरी भी पार महाविकास अघाड़ी नहीं कर पाई है, क्योंकि शुरुआती रुझान में जो कड़ी टक्कर दिख रही थी वो जैसे जैसे रुझान
बढ़े, जैसे जैसे मतगणना हुई वैसे वैसे ये रुझानों में महायुति तो बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन महाविकास अघाड़ी पिछड़ती नजर आई। तो देवेंद्र फडणवीस को इसका श्रेय तो जाता ही है, और जो सीएम के नाम को लेकर उनकी चर्चा तेज हो रही है वो वाकई लगता है कि शायद देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र की सत्ता को संभाल सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए जो ये सवाल आप कर रही है ना कि कौन होगा महाराष्ट्र में अगला सीएम, तो अब देखिए इतने टाइम बाद जब देवेंद्र फडणवीस ने महायुति की सरकार बनी, उन्होंने एक त्याग किया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हूं, वो पर्सन जो महाराष्ट्र में कई सालों तक राज जिसने किया उसने एक बड़ा त्याग किया था, और उसी त्याग का फल है कि आज 2.5 साल बाद फिर ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल का जवाब कुछ दिन में मिल ही जाएगा, लेकिन अभी तो 5 साल पहले फडणवीस द्वारा विधानसभा के भीतर एक बहुत अच्छी बात बोली गई थी, और उन्होंने बोला था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। फडणवीस ने अपने इन शब्दों को साकार अब बिल्कुल कर दिया, क्या लगता है ज्योति आपको? जी हाँ बिल्कुल प्रिया, वैसे ही जैसे कभी वर्षों पहले अमित शाह ने ठीक यही शब्द कहे थे, तब कहे थे जब वह सिर्फ गुजरात की राजनीति तक सीमित थे, कथित फर्जी मुठभेड़ और दंगों को लेकर मुकदमों में उलझे हुए थे। शाह ना सिर्फ लौटे बल्कि इतनी ताकतवर होके लौटे कि बीजेपी के चाणक के कहलाने लगे। बिल्कुल, अब क्या फडणवीस भी अमित शाह की तरह देश और प्रदेश पर छाने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त सी न्यूज़ भारत पर सामने आ रही।